सीपीएम ने कहा है, अलवालिया जी, सीपीएम ने आज कहा है कि बीएसई में जो लेफ्ट के मेंबर हैं उन्होंने जोशी जी से कहा कि आप अभी इस मीटिंग को ना करें, जांच ना शुरू करें, इससे जेपीसी की मांग कमजोर होगी। उन्होंने कहा कि आपके दूरसंचार मंत्री ट्रिब्यून के रिप्रेजेंटेटिव फराज साहब कह रहे थे कि यशवंत सिन्हा रोक रहे हैं पीएसी की कार्रवाई, आप कह रहे हैं सीपीएम वाले रोक रहे हैं, नहीं नहीं आप कह रहे हैं, ये कह रहे हैं समाजवादी ने रोका है। ऐसा है कि जिन्होंने रोकने के लिए कहा है तो निश्चित रूप से सीपीएम के सदस्य ने मेरे कहने पर तो नहीं रोकने के लिए कहा होगा, ये जरूर कह रहे हैं सब लोग आपस में जब चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि पीएसी जेपीसी के आड़े नहीं आनी चाहिए। ये जो कांग्रेस वाले सडनली जो लोग डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को पोंगा पंडित कहते थे, जो लोग उनको कहते थे कि सेफ्रोनाइजेशन एजुकेशन में ला रहे हैं, सेफ्रोनाइजेशन ला रहे हैं, भगवाकरण कर रहे हैं एजुकेशन का और यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी में ज्योतिषी पढ़ाई जा रही है, जो रोज उसका क्रिटिसिज्म करते थे वो लोग आज उनके तारीफ के पुल बांध रहे हैं और कह रहे हैं डोंट डेनिग्रेट पीएसी। उनको कोई पूछे कि क्या कारण है, जोशी जी अपनी जगह सही हो सकते हैं और सही है कि उनका पीएसी का काम है सीएजी का पोस्टमार्टम करना, उस सीएजी का पोस्टमार्टम करेंगे, कहां रोक रहा है कोई, किसी ने रोक, अब सीपीएम का मेंबर अगर रोक रहा है तो मैं रोक रहा हूं, समाजवादी रोक रहा है तो मैं रोक रहा हूं, क्या है ट्विस्ट क्यों करते हो फैक्ट को, डोंट ट्विस्ट द फैक्ट्स। सर ये अरुण शौरी, दिस इज नॉट द डिमांड ऑफ बीजेपी अलोन, दिस इज द डिमांड ऑफ होल ऑपोजिशन। लिसन टू मी, देयर इज जयललिता टू रिस्पॉन्ड टू राजा इन तमिलनाडु, शी इज पार्ट ऑफ द ऑपोजिशन, शी इज पार्ट ऑफ द ऑपोजिशन। आवर अनदर सीपीआई राजा इज ऑल्सो देयर फ्रॉम तमिलनाडु, ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ऑपोजिशन। सो डोंट से दैट देयर इज नो ऑपोजिशन इन तमिलनाडु, यू नो द पीपल, देयर आर पीपल लाइक शिवसेना, शिवसेना आर पार्ट ऑफ दिस डिमांड, दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू महाराष्ट्र, दैट डजंट मीन दैट ए मैन सिटिंग इन नागालैंड विल नॉट रेज हिज वॉइस, द अदर पार्टी ऑपोजिशन हु इज पार्टिसिपेटिंग हियर ही विल रेज हिज वॉइस देयर, द सेम थिंकिंग, सेम डिमांड, सेम इश्यू विल बी रेज अक्रॉस द कंट्री, राइट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड कच्छ टू कोहिमा, in a different manner. That is a vote bank policy. No, I am telling you one thing. Now tell me. The third front went in a delegation to Rashtrapati. We have not gone. We were not part of that. The next day, whether our voice was different than them, the same demand, JPC. And what they said in the President House, JPC. Then again they sat in front of Gandhi Murthy. What happened? The same demand in the House. So in the well, we are together. In the chamber, we are together. When we are outside, due to our ideological problem, political problem and compulsions, we are different. But our voice is one, demand JPC. ये बात सही है, पिछली बार भी मैंने जब आपको संबोधित किया मैंने कहा कि ये दुर्भाग्यजनक है कि हम मांग कर रहे हैं, पूरा विपक्ष मांग कर रहा है, अगर आप संख्या गिन लें, आप अगर थोड़ा सा आंकड़ा तैयार करें कि कितने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के रिप्रेजेंटेटिव और कितने काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर इसका विरोध कर रहे हैं, और वो कंट्री की कितनी पॉपुलेशन की आवाज है, वो
अगर उसको कैलकुलेट करें तो कहीं ये पीछे है, किंतु उसके बावजूद जिद्दी सरकार अपनी जिद पर अड़ी रहे कि नहीं हम जेपीसी नहीं देंगे, तो ठीक है। मैं आज भी आपके माध्यम से आह्वान करता हूं फिर पुनः कि आप जेपीसी मानिए कल सवेरे और सदन 15 दिन के लिए बढ़ाइए। हम रात दिन बैठकर सारे विधेयक पास करेंगे, सारी डिमांडें पूरी करेंगे, पर आप ये कहेंगे कि नहीं साहब, पहले आप बैठिए, पहले विधेयक पास कर दीजिए, उसके बाद हम ये करेंगे और 1,76,000 करोड़ का घपला हम भूल जाएंगे, तो नहीं भूलने वाले। इस 1,76,000 करोड़ से अभी भी गांव के स्कूलों में ब्लैक बोर्ड नहीं है, स्कूल की छत नहीं है, साफ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। इन रुपयों से हो सकता था, और यही 1,76,000 करोड़ बैंक में रख दिया जाए तो उसके इंटरेस्ट से हो सकता था। तो ये घपला तो सीएजी के सामने आया, पता नहीं कितना निकलेगा। ये जब तक जेपीसी नहीं बनती है, अब ये घर घर का चर्चा का विषय है। स्मिता जी, जो आप कह रही हैं कि सांसद कह रहे हैं, ये घर में हर गृहिणी कह रही है कि अरे 2,00,000 करोड़ खा गया, कितना बड़ा पेट है, अरे कितना बड़ा पेट है। नहीं नहीं, वो ऐसा है कि सप्लीमेंट्री ग्रांट तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, वो करना पड़ता है। वह हम संवैधानिक संकट नहीं पैदा कर रहे, हम सरकार को संवैधानिक संकट नहीं पैदा कर रहे। अलूवालिया जी, किसी का नुकसान नहीं। अलूवालिया जी, जो सीबीसी को आप हटाने की लगातार मांग कर रहे हैं, अब ये देखने में आ रहा है कि उनके पक्ष में आवाजें उठने लगी हैं। एन विट्ठल जो कि पूर्व सीबीसी हैं, वो कह रहे हैं कि थॉमस बिल्कुल अच्छे आदमी हैं और अगर ये क्राइटेरिया होगा तो आधे से ज़्यादा मंत्रियों को, सांसदों को इस्तीफा देना पड़ेगा। दूसरे जो लिंगदो साहब, जिन्होंने की पिटिशन फाइल की, वो खुद भी कह रहे हैं कि थॉमस की जो इंटीग्रिटी है उस पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे, आप अपनी मांग को वापस लेंगे? नहीं, पर्सनल इंटीग्रिटी पर तो किसी का भी सवाल नहीं है, सवाल तो है चार सीटेड है आदमी। आदमी का पर्सनल व्यवहार अच्छा हो सकता है, अपने जीवन में अच्छा हो सकता है, एक अच्छा पति, अच्छा पिता, अच्छा भाई, अच्छा बेटा हो सकता है, किंतु अगर एक्यूज्ड है किसी केस में तो उसको तो एक्यूज्ड ही कहेगा ना आदमी, तो हमने तो आपत्ति उसी पर की है ना। अरे चार सीटेड एमपी है, उसके लिए कानून है ना सर, वो सीबीसी नहीं बने हुए हैं, और कानून बना हुआ है कि 2 साल से ज्यादा जायदाद के सजा याफ्ता लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। सजा याफ्ता चार्ज फ्रेम अगर हो गया हो तब भी नहीं लड़ सकते। अलूवालिया साहब, चार्ज फ्रेम हो गया हो तब भी नहीं लड़ सकते। अलूवालिया साहब, एक क्वेश्चन इधर से, प्रसार भारती जल्द इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, CWG हमारे जो 3 मामले हमने उठाए हैं, आदर्श घोटाला, CWG घोटाला और स्पेक्ट्रम घोटाला, ये तीनों घोटाले कितने गंभीर हैं उसकी तपिश उनको महसूस हो रही है। अब वो कहने लगे हैं कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसके कारण उनको हटाया जा रहा है, जब हमने आवाज़ उठाई थी तब जूम नहीं रह रही थी कान में, तब नहीं समझ आ रहा था, तो अब जब समझ आ रहा है तो उनको स्वतः ही पार्लियामेंट्री, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनानी चाहिए, ये तीनों आधार देने चाहिए कि इनकी प्रोब हो। धन्यवाद सर। बीएस लाली के बारे में सवाल पूछ रहा हूँ, तो आदर्श घोटाला और सीडब्ल्यूजी स्कैम की बात कर, सीडब्ल्यूजी में स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ, बीएस लाली का मामला। राजीव, बीएस लाली के ऊपर जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, ब्रॉडकास्टिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, वो किसके, किस खेल के लिए? CWG के लिए ना, तो और तो क्या कहा मैंने। I have read somewhere that Chief Minister Tamil Nadu was taken into confidence before raiding Raja. एट द सेंटर दे आर डिमांडिंग जेपीसी टू प्रोम, उनके साथ ये सेशन के बाद जो संसद से सड़क तक का जो प्रोग्राम है उसमें हम उनके साथ नहीं रहेंगे, हमारे 11 पार्टियों का। ऐसा है कि मैं तू तू मैं में नहीं पढ़ना चाहता, लड़ाई बड़ी है,
नहीं तो पश्चिम बंगाल के भ्रष्टाचार के घोटालों को गिनाने लगूं तो गिनती भूल जाएंगे। अलवाले जी जेपीसी से अलग हटकर एक सवाल को ज़्यादा तवज्जो मिली है, आपको लगता है रीथिंक करने की जरूरत है? पार्टी आपकी हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर जो आगे बढ़ रही थी, अब वो पीछे छूट गया है? ये तो जो लोग पॉल्स्टर थे वो कुछ और बना रहे थे और जनता कुछ और बना रही थी, तो जनता ने अपना जवाब देकर बता दिया है वहाँ पर क्या है और विकास को प्राथमिकता दी है। विकास ही एक मार्ग है जिसके माध्यम से देश की उन्नति हो सकती है और बिहार जैसा राज्य जहाँ हर चौथे घर का आदमी आईएएस अफसर और आईपीएस अफसर होता है या टीचर प्रोफेसर होता है,